स्टेज फोर प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में मर्दों में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। क्या आप जानते हैं कि इस स्टेज फोर कैंसर का सर्वाइवल इजीली 5 ईयर से ज्यादा है और कई पेशेंट में डेकेड्स तक भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DFO एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टेज फोर प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में होने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वास्ट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में कैंसर स्टेज फोर में पकड़ा जाता है। इन माय एक्सपीरियंस हमारी कंट्री में 80% पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर स्टेज फोर पे ही कैच होता है, जो बाहर की कंट्रीज से रिवर्स है। US और डेवलप्ड कंट्रीज में PSA टेस्टिंग की वजह से ज्यादातर पेशेंट का कैंसर स्टेज 1 या 2 पे ही पकड़ा जाता है, पर हमारी कंट्री में जो कि रूटीनली PSA ब्लड टेस्ट लोग अपना नहीं कराते हैं, इसलिए मेजोरिटी ऑफ पेशेंट को कैंसर तभी पकड़ा जाता है जब उनको कोई सिम्टम होता है, जैसे कि हड्डी में दर्द या कमर में दर्द, और इस पॉइंट पे ज्यादातर पेशेंट को स्टेज फोर प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज किया जा सकता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड ये है कि एक बहुत ही इजीली ट्रीटेबल कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली इजी है और जिसका आउटकम बहुत अच्छा है यदि पेशेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल से प्रॉपरली अपने कैंसर का ट्रीटमेंट कराए। तो एवरी पेशेंट कैन एक्सपेक्ट टू लिव अ वेरी वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी वेरी हैप्पी लाइफ विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि 2025 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से स्टेज फोर कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है और कैसे एक पेशेंट अपना डेकेड्स में आउटकम पा सकता है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा सकता है, और प्रोस्टेट कैंसर स्टेज फोर से लेकर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहे। तो सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग कि स्टेज फोर प्रोस्टेट कैंसर को कैसे ट्रीट करते हैं, इंपॉर्टेंट यह समझना कि स्टेज फोर का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी यूजली प्रोस्टेट यानी गदूद के अंदर शुरू होती है, जब इसको अर्ली स्टेज या स्टेज 1 या 2 बोलते हैं। जब यह बीमारी प्रोस्टेट कैंसर से बाहर निकलती है और लोकल रीजनल एरिया में स्प्रेड होती है तो इसको स्टेज 3 बोलते हैं, और जब यह बीमारी प्रोस्टेट से निकल के डिस्टेंट ऑर्गन, चाहे वो लिम्फ नोड हो, चाहे वो हड्डिया हो जो सबसे कॉमन साइट है इस पर फैलने की है, या चाहे वो लिवर या लंग हो, तो इसको हम स्टेज 4 या मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। यानी स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर वो प्रोस्टेट कैंसर जिसमें कैंसर प्रोस्टेट से बाहर आ गया है और डिस्टेंट साइट से फैल गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बोन्स और लिम्फ नोड्स, और कम कॉमन होते हैं लंग, लिवर और अन्य ऑर्गन। तो कोई भी फैला हुआ कैंसर स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने वाली है कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक क्रॉनिक डिजीज की तरह ट्रीट की जा सकती है, यानी इसको लंबे समय तक, सालों साल तक और कई केसेस में डेकेड से भी ज्यादा कंट्रोल करके गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन की जा सकती है। पर इस कैंसर को 100% क्योर करना डिफिकल्ट माना जाता है और सिर्फ कुछ ही पेशेंट ऐसे हो गए जिसमें कैंसर 100% साफ हो जाएगा, बट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम तक इस बीमारी को रोका जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है और पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ दी जा सकती है, विच इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, जो हमारी ट्रीटमेंट का मेन गोल होता है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर को हम कैसे ट्रीट करते हैं और हमारे रेपर्टोर में ट्रीटमेंट की क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 में यूज होती है उसको हम बोलते हैं एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी, ADT या हार्मोन थेरेपी, जो हमारे पिरामिड ऑफ ट्रीटमेंट का बेस है। तो हार्मोन थेरेपी से हमारा क्या तात्पर्य है, देखिए प्रोस्टेट कैंसर मेल हार्मोन से डेवलप होने वाला कैंसर है और जो पुरुष के हार्मोन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन है, इसके इन्फ्लुएंस में नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होते हैं और कैंसर सेल ग्रो और स्प्रेड होते हैं। तो क्या देखा गया कि यदि हम किसी भी टेक्नोलॉजी से आदमी का टेस्टोस्टेरोन स्विच ऑफ कर दे या बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली कैंसर कंट्रोल में आ जाता है, और इसी चीज को ADT या एंड्रोजन डिप्रिवेशन या कैस्ट्रेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी या ADT हर स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को लेनी ही होती है, रूटीनली हर पेशेंट को दी जाती है, और कई पेशेंट में इसी थेरेपी से पेशेंट 99.99% तक डिजीज कंट्रोल पा सकते हैं। तो ADT या एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी एक बहुत ही सेफ थेरेपी है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, और इसको करने के मेनली 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आदमी का ऑपरेशन करके उनके टेस्टिस निकाल दिया जाए, तो चूंकि टेस्टोस्टेरोन आदमी के टेस्टिस में बनता है, उनको काट के निकाल दोगे तो अपने आप टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बनना बंद हो जाएगा और कैंसर का ग्रोथ बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका है, जो लोग सर्जरी नहीं चाहते वो कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां आती है, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है और टैबलेट फॉर्म में भी आती है। ये दवाइयां आदमी महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार अपने स्किन में, मसल में या फैट में लगवाता है, और ये बॉडी के अंदर जाके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्विच ऑफ कर देती है। तो टेस्टिकल का ऑपरेशन एक परमानेंट पक्का इलाज है, जिससे ADT का प्रोडक्शन परमानेंटली बंद हो जाता है, और जो इंजेक्शन है हर 3 महीने, हर महीने या हर 6 महीने बार बार पेशेंट को लगाना पड़ता है ताकि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्विच ऑफ रहे और पेशेंट की बीमारी लॉन्ग टर्म कंट्रोल में रहे। तो ऑल प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट जो स्टेज 4 में है उनमें ADT मैंडेटरी है, उनको जिंदगी भर के लिए ADT लेना है और अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को दबा के रखना है। अदर देन ADT या एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी, एक रेपर्टोर ऑफ ट्रीटमेंट्स है जो वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंट में यूज किया जाता है, और कॉम्बिनेशन क्यों ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है हम अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे। बट पहले हमें डिस्कस करना चाहिए कि
एडीटी के अलावा कौन सा ट्रीटमेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर में यूज किया जाता है, उनको ब्रीफली एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं NHA, यानी नेक्स्ट जनरेशन हार्मोन एजेंट या न्यू हार्मोन एजेंट। तो NHA क्या होते हैं, कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां होती है जो यूजली टैबलेट फॉर्म में होती है, जो एडिशनली मेन हार्मोन के प्रोडक्शन को रोकती है। तो हालांकि आप टेस्टिस को काट के या एडीटी के इंजेक्शन से टेस्टोस्टेरोन लेवल को वेरी वेरी लो लेवल पे ला सकते हो, पर बॉडी में अन्य हार्मोन भी होते हैं जो कैंसर के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिनको एंड्रोजन बोलते हैं। तो दवाइयां अवेलेबल है जो या तो एंड्रोजन को ट्यूमर पे काम नहीं करने देती या एंड्रोजन के प्रोडक्शन को स्टॉप कर लेती है। और आज के दिन 2025 में मेनली तीन क्लास ऑफ NHAs, तीन ड्रग्स NHA में अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं एबिरेट्रोन एसिटेट, एक को हम बोलते हैं एंजालुटामाइड और उसका भाई एपालुटामाइड, और एक को हम बोलते हैं डारोलुटामाइड जो लेटेस्ट जनरेशन का NHA है। तो ये चारों ड्रग्स की जो एफिकेसी है सिमिलर है विद माइनर डिफरेंसेस इन साइड इफेक्ट प्रोफाइल। तो ये चारों ड्रग एक ही काम करते हैं, ये न्यू हार्मोन एजेंट एडिशनली हार्मोन थेरेपी का काम करते हैं, जिससे मेल हार्मोन प्रोस्टेट कैंसर पे काम नहीं कर पाते, उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं कर पाते और ट्यूमर का ग्रोथ से डिक्रीज होता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी फ्रेंड्स दवाइयां होती है जो बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है या ओरली दी जाती है, जो ट्यूमर सेल के डिविजन प्रोसेस को, जो भी बॉडी में सेल तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं उनको मार देती है। और चूंकि बॉडी में फास्टेस्ट डिवाइडिंग सेल प्रोस्टेट कैंसर सेल ही होता है, तो प्रेफरेंशियली वो प्रोस्टेट कैंसर सेल को मारती है और पेशेंट को अच्छा लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल या सर्वाइवल देती है। थर्ड ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं लुटिशियम पीआरआरटी या लुटिशियम पीएसएमए थेरेपी। तो लुटिशियम या एक्टिनियम पीआरआरटी या पीएसएमए थेरेपी एक न्यू तरह की टेक्नोलॉजी है, जिसमें बॉडी के अंदर एक स्पेशल तरह का रेडियो एक्टिव दवाई को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो एक पीएसएमए नाम के कंपाउंड से जुड़ी होती है। तो बॉडी में हर प्रोस्टेट कैंसर सेल पे एक एंटीजन होता है, इसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन बोलते हैं। तो हम बॉडी में एक ऐसी दवाई इंजेक्ट कर देते हैं जो अपने आप पीएसएमए एंटीजन को ढूंढ के उसको ऐसे चिपक जाती है, और उस दवाई से एक रेडियो एक्टिव ड्रग हम जोड़ के बॉडी में दे देते हैं। जब वो जाके पीएसएमए नाम के सेल से चिपकती है तो वो रेडियो एक्टिव ड्रग उस सेल को किल कर देते हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरह बॉडी में जहां भी प्रोस्टेट कैंसर सेल है उनको क्लियर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसको हम लुटिशियम या एक्टिनियम पीएसएमए थेरेपी बोलते हैं या फिर पीआरआरटी बोलते हैं। तो एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस ट्रीटमेंट है जो बहुत अच्छी सेफ्टी से प्रोस्टेट कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इसका रोल रिसेंट फ्यू ईयर्स में ग्रेजुअली मोर एंड मोर डेवलप होता जा रहा है और इसको अर्लियर लाइन्स में यूज किया जाता जा रहा है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो प्रोस्टेट कैंसर में हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्प इनहिबिटर। तो फ्रेंड्स टारगेटेड थेरेपी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, यदि प्रोस्टेट कैंसर सेल के अंदर कोई ऐसी जीन म्यूटेशन है जो बॉडी के बाकी सेल में नहीं है, तो कुछ ऐसी दवाई पेशेंट को हम दे सकते हैं जो स्पेसिफिकली उस जीन म्यूटेशन को किल करती है। चूंकि वो म्यूटेशन नॉर्मल सेल में नहीं है, सिर्फ कैंसर सेल में है, वो दवाई जाके सिर्फ कैंसर सेल को मारेगी और नॉर्मल सेल को नहीं मारेगी, तो हम बहुत इफेक्टिव पावरफुल ट्यूमर किलिंग अचीव कर सकते हैं विद वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, क्योंकि नॉर्मल सेल पर दवाई काम नहीं करती, सिर्फ ट्यूमर सेल पर काम करती है। तो प्रोस्टेट कैंसर की जेनेटिक टेस्टिंग करके कुछ स्पेसिफिक दवाई पेशेंट को दे सकते हैं जो ट्यूमर सेल को मारेगी नॉर्मल सेल को नहीं मारेगी, और उसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेटेड थेरेपी ओलापेरिप या रूकापेरिप नाम की दो टैबलेट्स होती है जो HRR जीन डिफेक्ट पे काम करती है। ओलापेरिप पे डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक को फॉलो करके, बट मोटा मोटा यदि पेशेंट के कैंसर सेल में जेनेटिक डिफेक्ट है जिसकी हम टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं, तो ओलापेरिप दवाई से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स विद वेरी लो साइड इफेक्ट्स पाया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो हम इंपॉर्टेंट मानते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी प्रोस्टेट कैंसर में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर कुछ स्पेशल तरह के प्रोस्टेट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का असर अच्छा आता है। तो जेनेटिक टेस्टिंग से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से प्रोस्टेट कैंसर ऐसे हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करेगी, और सिलेक्टिवली इन पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी यदि हम देते हैं तो हम अच्छा सर्वाइवल और अच्छा आउटकम पा सकते हैं। तो अगेन ये थेरेपी हर पेशेंट के लिए नहीं है, पर जेनेटिक टेस्टिंग के वाया हम दवाइयां दे सकते हैं जो इम्यून सिस्टम को ट्यूमर सेल से जोड़ के इम्यून सिस्टम की मदद से ट्यूमर सेल को किल कर सकते हैं और अच्छा आउटकम पाया जा सकता है। और फाइनली एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च थेरेपीज होती है जो वेरियस जेनेटिक या ट्यूमर रिलेटेड टेस्ट के वाया हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सी दवाइयां ट्यूमर में एक्स्ट्रा है जो ट्यूमर को मारेगी और नॉर्मल सेल को नहीं मारेगी, और उस प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी अप्रोच से हम स्पेसिफिकली ट्यूमर को मारने वाली दवाइयां डिस्कवर करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, जिसको हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी अप्रोच बोलते हैं। प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पोस्टेड है, और स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से आप अपना प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप इस ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने मैंने से सुना कि 6-7-8 कैंसर की ट्रीटमेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर में यूज होती है। तो ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे रिसर्च लास्ट 50-70 ईयर से चल रही है, और आज के दिन एक सीक्वेंस ऑफ थेरेपीज एस्टैब्लिश्ड है जो विद इन कैंसर पेशेंट को दी जा सकती है, जिससे हम बेस्ट पॉसिबल सर्वाइवल पा सकते हैं।
तो 2025 का प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अब हम कवर करेंगे और आपको हम ध्यान से समझाएंगे कि यदि आज पहली बार कोई पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस लेके मेरे क्लिनिक में आया है तो हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझने की होती है उसको हम बोलते हैं हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम डिजीज कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, यदि कोई स्टेज फोर प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो उनको हम दो कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, उनका PSMA पेट स्कैन करा के, हाई वॉल्यूम डिजीज और लो वॉल्यूम डिजीज। तो फ्रेंड्स, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम डिजीज की डेफिनेशन ये है, जिन पेशेंट को सिर्फ बोन या लिम्फ नोड में बीमारी है और नंबर ऑफ बोन लीजन्स या तो 4 से कम है या 4 से ज्यादा है पर एक्सियल स्केलेटन के बाहर नहीं है, यानी वर्टिब्रा और पेल्विस, स्पाइन और पेल्विस के बाहर कोई गांठ नहीं है, इनको हम लो वॉल्यूम डिजीज बोलते हैं। तो लो वॉल्यूम डिजीज का मतलब यह है कि पेशेंट को कैंसर सिर्फ बोन के अंदर है और बोन में या तो टोटल नंबर ऑफ लीजन्स 4 से कम है या 4 से ज्यादा है तो स्पाइन और हिप के बाहर नहीं है। और हाई वॉल्यूम डिजीज का मतलब यह है कि जिन लोगों को कैंसर की गांठे मोर देन 4 बोन्स में है विद एटलीस्ट 1 बोन आउटसाइड द स्पाइन एंड पेल्विस, एंड या फिर पेशेंट को लंग में, लिवर में, किसी और विसल ऑर्गन में मेट्स है, इनको हम हाई वॉल्यूम डिजीज बोलते हैं। तो जब भी कोई स्टेज 4 कैंसर पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है पहली बार तो हम बड़ा सिंपल है उसको पहले लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम में डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट आज की एरा में स्लाइटली अलग है। लो वॉल्यूम पेशेंट का सर्वाइवल बेटर है और उनको कम ट्रीटमेंट की जरूरत है सेम सर्वाइवल पाने के लिए, और हाई वॉल्यूम डिजीज पेशेंट का सर्वाइवल थोड़ा सा वर्स है पर उनको ज्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करके उनका आउटकम भी इंप्रूव किया जा सकता है। तो दोनों का ट्रीटमेंट इज कंपैरेटिवली डिफरेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के दिन लो वॉल्यूम डिजीज को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 2025 में एक फ्रेशली डायग्नोस्ड स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर को यदि लो वॉल्यूम डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट में हम एक पिरामिड ऑफ ट्रीटमेंट्स बनाते हैं जिसका बेस होता है ADT या एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी। तो सबसे पहले पेशेंट के एंड्रोजन स्विच ऑफ करने के लिए या तो उसके टेस्टिस निकाल दिए जाते हैं या उसको इंजेक्शन या टैबलेट से ट्रीट किया जाता है ताकि उसका टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो ये ट्रीटमेंट पेशेंट लाइफ लॉन्ग लेगा। नेक्स्ट, पेशेंट को NHA दिया जाता है। तो NHA से हमने डिस्कस किया, एबिरेट्रोन, एंजालोटामाइड, एपोलोटामाइड या डारोलुटामाइड में से एक दवाई पेशेंट को दी जाती है पेशेंट के एंड्रोजन सप्रेशन को और इंप्रूव करने के लिए। और देखा गया है कि यदि हम ADT पहले दे के उसके फेल होने पे NHA दे उसकी वर्सेस यदि हम शुरू में ADT और NHA दोनों दे तो पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे। और आज के दिन पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड यही है कि किसी भी फ्रेश पेशेंट को, लो वॉल्यूम डिजीज वाले पेशेंट को ADT और NHA दोनों देना चाहिए फॉर गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्वाइवल एंड बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो इन सारे पेशेंट्स को हम ADT और NHA देते हैं और पेशेंट को फिर फॉलो करते हैं। एडिशनली रिसर्च कहती है कि यदि पेशेंट का डिजीज लो वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मेट्स लिमिटेड है तो पेशेंट को रेडियोथेरेपी दी जाती है टू इंप्रूव हिज सर्वाइवल। एक रेडिएशन प्रोस्टेट को दी जा सकती है और यदि पेशेंट के नंबर ऑफ मेट्स 3 से कम है तो पेशेंट के मेटास्टेटिक साइट में भी रेडिएशन दी जाती है ट्यूमर को सप्रेस या किल करने के लिए। और देखा गया है कि यदि पेशेंट को तीनों चीजें दी जाए, यानी ADT, NHA और रेडिएशन फॉर लो वॉल्यूम डिजीज, तो पेशेंट का मैक्सिमम और बेस्ट सर्वाइवल पाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म आउटकम सबसे बेस्ट पाया जा सकता है। तो इन तीनों में से ADT और NHA को यूजली ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, रेडिएशन को कम इंपॉर्टेंट माना जाता है, पर आइडियली हम चाहते हैं कि पेशेंट को तीनों ट्रीटमेंट्स का फायदा मिले, ADT, NHA और रेडिएशन टू प्रोस्टेट एंड टू मेट्स। और इस अप्रोच को फॉलो करके यूजली हम बेस्ट पॉसिबल आउटकम लो वॉल्यूम डिजीज में पा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाई वॉल्यूम डिजीज की। तो फ्रेंड्स, क्लासिकली ये माना जाता था कि हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम डिजीज को सिमिलरली ट्रीट करना चाहिए, पर ओवर लास्ट 5 to 8 years बहुत सारे नए रिसर्च आई है जिसमें शो किया गया है कि हाई वॉल्यूम डिजीज को एक्चुअली यदि आप और अग्रेसिवली ट्रीट करो तो आप और भी बेटर सर्वाइवल पा सकते हैं और पेशेंट का आउटकम और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो हाई वॉल्यूम डिजीज में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर वन है कि इन पेशेंट्स में यूजली रेडिएशन का रोल कम होता है तो हम यूजली रेडिएशन नहीं यूज करते हैं। नंबर टू, इन पेशेंट में कीमोथेरेपी का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कीमोथेरेपी कैन गिव दिस पेशेंट बेटर सर्वाइवल। तो हाई वॉल्यूम डिजीज में यूजली एक तो हम ADT देते हैं, एक हम NHA देते हैं और साथ में यूजली इन पेशेंट को शुरुआत में ही कीमोथेरेपी दे देते हैं। और रिसर्च कहते हैं कि यदि पेशेंट को हम तीनों थेरेपी स्टार्टिंग में दे तो इन पेशेंट का लॉन्गेस्ट सर्वाइवल और बेस्ट पॉसिबल आउटकम होता है। तो हाई वॉल्यूम डिजीज में इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद ADT, NHA और NHA के फेल होने के बाद कीमो देने की बजाय आज के दिन डेटा ये कहता है कि यदि हम ADT, NHA, कीमो तीनों देते हैं तो पेशेंट का सर्वाइवल सबसे लॉन्ग होता है और सबसे बेस्ट आउटकम होता है। तो जो पेशेंट फिट और हेल्दी है, हमारा गोल ये होता है कि तीनों ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाए, ADT, NHA एंड कीमोथेरेपी, सो दैट पेशेंट गेट्स द बेस्ट पॉसिबल सर्वाइवल एंड लॉन्गेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यूजुअली जब हम पेशेंट को फर्स्ट लाइन थेरेपी देते हैं, चाहे हम लो वॉल्यूम को ADT, NHA रेडिएशन दे रहे हैं, हाई वॉल्यूम को ADT, NHA कीमो दे रहे हैं, तो यूजुअली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से पेशेंट का बहुत साल तक
एक्सलेंट डिजीज कंट्रोल रहेगा, बहुत अच्छा आउटकम रहेगा विद एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट ज्यादातर पेशेंट में कुछ टाइम के बाद ये दवाई फेल होती है और नेक्स्ट ट्रीटमेंट का टाइम आता है। लो चाहे टिपिकली ये टाइम कई साल के बाद आता है, पर ये आता है एट सम पॉइंट। जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट का पीएसए मान लो शुरुआत में 100 है, ट्रीटमेंट से 0 हो गया, कुछ साल बाद हम देखते हैं कि 0 से 0.1 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.8 हुआ, फिर 1 हुआ, 2 एंड सो ऑन। तो यूजुअली जब पेशेंट की बीमारी वापस आती है तो रिसर्च कहती है कि हमें ट्रीटमेंट उसका चेंज करना चाहिए और नेक्स्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो हमने शुरू में ट्रीटमेंट डिस्कस की थी, उस आर्मामेंटेरियम से हम दूसरी ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। जिस पेशेंट को आपने एनएचए दिया है पर कीमो नहीं दिया, उसको तो आप कीमो दे सकते हो। जिसको आपने एनएचए नहीं दिया है उसको आप एनएचए दे सकते हो, एंड सो फोर्थ। इन एडिशन जिस पेशेंट को आपने पीएसएमए थेरेपी नहीं दिया उसको आप पीएसएमए थेरेपी दे सकते हो। जिस पेशेंट के जेनेटिक टेस्टिंग में टारगेट आता है उसको हम टारगेटेड थेरेपी दे सकते हो। जिस पेशेंट के जेनेटिक थेरेपी टेस्टिंग में इम्यूनोथेरेपी ऑप्शन उसको इम्यूनोथेरेपी दे सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो दूसरे रेपर्टायर के ट्रीटमेंट्स है उनका नंबर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के फेलियर के बाद आता है एज ऑफ टूडे। ऑफकोर्स थिंग्स में चेंज विद लॉन्गर फॉलोअप। तो क्लासिकली पेशेंट का जब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल होता है उसको रेपर्टायर के दूसरे टूल किट के जो दूसरी ट्रीटमेंट है उनसे एक ट्रीटमेंट निकाल के दी जाती है और डिजीज को फिर से कंट्रोल कर लिया जाता है। और कुछ साल बाद जब वापस आती है तो एक और टूल किट से दवाई निकाल के उसको दे दी जाती है, एंड सो फोर्थ। और इस सीरियल कॉम्बिनेशन थेरेपी से आप लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा सकते हो। इंपॉर्टेंटली एडीटी जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट का बेस है और पेशेंट की ट्रीटमेंट में एडीटी का रोल फिक्स्ड है। पेशेंट को शुरू से लेकर एंड तक एडीटी कंटिन्यू करनी है और ऊपर से आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो एडीटी बननी होनी चाहिए। पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एडीटी लेनी है जिससे उसका टेस्टोस्टेरोन लो रहे। तो फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा मैंने कई बार बोला कि जेनेटिक टेस्टिंग से हम टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट चेंज हो रहा है। एक समय था जब हर प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक्जैक्टली सेम होता था, पर आज की इरा को हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी इरा बोलते हैं। और रिसर्च कहती है कि यदि मेरी ओपीडी में आज 5 प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट आए हैं तो पांचों को अलग अलग जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट तरह का कैंसर है। किसी में एक दवाई काम करेगी, किसी में दूसरी काम करेगी, किसी तीसरी काम करेगी, एंड सो ऑन। तो प्रोस्टेट कैंसर के टुकड़े को लेके या पेशेंट के ब्लड को लेके हम जेनेटिक डीएनए निकाल सकते हैं और उसकी टेस्टिंग करके हम बता सकते हैं कि पेशेंट में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जैसे एडीटी एनएचए कीमो के अलावा क्या क्या ऑप्शन है, और उसको हम प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी या मॉलिक्यूलर मेडिसिन बोलते हैं। तो प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी पे हमारा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बट मोटा मोटा यदि प्रोस्टेट कैंसर पे हम जेनेटिक एनालिसिस या प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी की कोशिश करें तो आज के दिन करीब 30% पेशेंट में कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन निकलता है अदर देन दी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, जो पेशेंट को बहुत अच्छा आउटकम विद वेरी लो साइड इफेक्ट्स एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है। तो प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स का यूजली किसी पॉइंट पे जेनेटिक टेस्टिंग या प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी किया जाता है ताकि उनका ट्रीटमेंट अप्रोच हम डिसाइड कर सके। तो फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि आज की एरा में प्रोस्टेट कैंसर का सर्वाइवल क्या है। तो फ्रेंड्स यू विल बी हैप्पी टू नो कि आज की एरा यानी 2025 में रिसर्च कहती है कि जिन पेशेंट को लो वॉल्यूम डिजीज है उनका एवरेज सर्वाइवल 7 to 8 ईयर्स या उससे ज्यादा है, और जिन पेशेंट को हाई वॉल्यूम डिजीज उनका एवरेज सर्वाइवल 4 to 5 ईयर्स या उससे भी ज्यादा है। और इट इज नॉट अनकॉमन कि पेशेंट डेकेड्स तक जीते हैं विद एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड गुड डिजीज कंट्रोल। तो इंपॉर्टेंट है पेशेंट के ट्यूमर को हार्ड हिट किया जाए, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरुआत में दी जाए ताकि ट्यूमर अच्छी तरह डीपली दब जाए और लॉन्ग टर्म में कंट्रोल रहे। और यदि टेक्नोलॉजी का सही यूज करे तो ज्यादातर पेशेंट एक बहुत अच्छा आउटकम गुड सर्वाइवल विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ पा सकते हैं, चाहे उनको फैला हुआ स्टेज 4 कैंसर ही ना हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है प्रोस्टेट कैंसर के इस अपडेट से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारा लास्ट प्रोस्टेट कैंसर का वीडियो रफली 3 to 4 ईयर्स पहले बना था और उस टाइम टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो लास्ट 4 ईयर्स में ड्रामेटिकली चेंज हो गया है। बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हम थर्ड लाइन फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन में यूज करते हैं आज के दिन सेकंड लाइन में यूज होती है। जो फ्रंट लाइन लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है वो न्यू आया है और देखा गया है कि लो और हाई वॉल्यूम का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अलग अलग ट्रीटमेंट यूज करके अलग अलग हो गया है। तो मुझे लगा एक अपडेटेड वीडियो पेशेंट्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो लेटेस्ट प्रोस्टेट कैंसर का इलाज समझे और बेस्ट पॉसिबल आउटकम पा सके। फ्रेंड्स हमारे चैनल का मेन पर्पज है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे कंट्री की पेशेंट को उनकी भाषा में दिया जाए, देखो बेस्ट पॉसिबल आउटकम विद लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स पा सके। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी आएगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।